लाहौर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटीज प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त। प्रोजेक्ट को मुकम्मल फाल बनाने की जिम्मेदार चीनी कंपनी हवावे ने कैमरे और दीगर अहम सामान इम्पोर्ट कर लिया। हुकूमत पंजाब से किए गए मुआहदे के मुताबिक चीनी कंपनी प्रोजेक्ट को फाल बनाने की जिम्मेदार है। इस जिमन में कंपनी ने कैमरे, पावर बैटरियां, एलसीडी समेत दीगर तकनीकी अशिया दरामद कर ली हैं। आईजी साहब कंटिन्यूसली इसको रेगुलर मीटिंग्स में खुद इसको चेयर कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है इस वजह से। तो उसमें अल्टीमेटम दिया था कि ईद तक इनका सामान पाकिस्तान आ जाना चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गया है। सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत इन्होंने सिस्टम को अपनी कॉस्ट पेस में, हुकूमत का मजीद को पैसा नहीं लगेगा, अपनी कॉस्ट पेस को इन्होंने रिवाइव करना है। कंपनी को 14 अगस्त तक सेफ सिटीज के मजीद 2000 कैमरे फाल करने का टारगेट दिया गया है। मुआहदे के मुताबिक चीनी कंपनी ने तमाम सॉफ्टवेयर्स को भी मुकम्मल फाल करना है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और जो बाकी सिस्टम्स हैं, हमारे जो ई चलान के सिस्टम्स हैं, वो सारे उनकी टीमें आई हुई हैं। बैनल अक्वामी कंपनी थी जिसने काम किया, उन्होंने सिस्टम को रिस्टोर कर लिया हुआ है। अब वो टेस्ट एंड ट्रायल कर रहे हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स आई थी वो दोबारा फौरी तौर पर ना आ जाए। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट के मुकम्मल फाल होने से जहाँ मॉनिटरिंग का अमल मौसर होगा, वहीं जराइम पेशा अफराद का गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा सकेगा।